पजामा पहनने वाले ये भारत के निवासी नहीं है। अब तू बताएगा कौन भारत का निवासी है और कौन नहीं है? तू बताएगा, तू भारत का संविधान है क्या है? तू बताएगा अभी? अरे चाचा अपना मुंह बंद कर, गुस्सा मत दिला। कहाँ का किंग है, किसका किंग है, किसका किंग है? पहले तो शाहरुख खान तू ये बता, तू किंग कहाँ का है? अच्छा अभी इन अंकल को बताना है शाहरुख खान कहाँ का किंग है। अरे तुम आए कहाँ से हो? तुम मंगल ग्रह से आए हो क्या? तुम हिंदुस्तान में नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते? अगर इंडिया में रहने के बाद भी तुम्हें मालूम नहीं है शाहरुख खान कहाँ कौन है? अरे यार तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? हो कौन तुम बताओ? अब सुनो, अगर तुमको पता नहीं है ना शाहरुख खान कौन है, तुम तुम्हारे माँ से जाके पूछो, तुम्हारे माँ को जाके पूछो, माँ शाहरुख खान कौन है, तो वो बताएगा। अरे आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, वो रोमांस किंग है, बॉलीवुड का बादशाह है, मैं उसके लिए फिदा हूँ, ऐसा बोलेगा तुम्हारी अम्मा। नहीं पता, जाके पूछो शाहरुख खान कौन है, तुम्हारी माँ तुमको बताएगा। समझ गए ना छोटे भाई? हाँ, शाहरुख खान के औकात क्या है? स्कीम मत कैसे हो, इसने भगवे भगवा पहना करके बेशरम रंग गाना रख दिया। तो सुन, अरे छोटे अंकल सुनो, चाचा जी सुनो, अब तुमने क्या कहा शाहरुख खान का औकात क्या है? शाहरुख खान के पैर में जो जूता पहनते हैं ना, वो जूता खरीदने का औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पूरे उम्र चले जाएगी वो एक जोड़ी जूता खरीदने के लिए, फिर भी पैसा नहीं मिलेगा तुमको। समझ गए ना? उतना औकात है शाहरुख खान का। शाहरुख खान का एक जोड़ी जूता क्या, उसके पाँव में पहनने वाले एक जोड़ी चप्पल खरीदने का भी औकात नहीं है तुम्हारी। समझ गए ना? और बोलते हो बेशरम रंग गाना रखा। ओ सुनो, दिमाग के पैदलो, अरे गधो, तारा दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करे, अपने दिमाग को थोड़ा लगाओ। वो गाना का नाम बेशरम रंग है, जो वो टाइटल है गाने का, और रंग के बारे में नहीं बताया। तुम बोलते हो बेशरम रंग रखा नाम का, अरे भाई वो टाइटल है बेशरम रंग, वो टाइटल है। और तुम्हारे जो कपड़ा पहना वो कलर का नहीं पहना, उसमें सिर्फ ऑरेंज कलर का ही कपड़ा नहीं पहना, बहुत सारे कपड़ा है उसमें, हरा भी है, काला भी है, नीला भी है, ऑरेंज भी है, पूरे कलर का कपड़ा है। और ऑरेंज कलर का कपड़ा है ना, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आता है वो सॉन्ग पे। समझ गए ना अंधभक्तो? बेशरम रंग, वो गाना का मीनिंग सही से सुनो, किस बारे में बोला ना, वो रंग जो रंग के बारे में बोल रहे हो ना, वो किस बारे में बोला ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनो वो गाना जाके यूट्यूब में, तब मालूम होगा बेशरम रंग किसको कहा गया। वो इश्क का एक तरफा का नाम बताया गया है। समझ गया ना? जैसे कि लोगों का कहीं कई सारे रंग रहता है ना, इसे इश्क मोहब्बत में भी बहुत सारे रंग रहता है, उस रंग के बारे में बताया गया उस गाने में। तुम्हारे जो पहना है कपड़ा, कपड़े के रंग के जो कलर है, उस कलर के बारे में नहीं बताया। अरे अनभक्त, तो थोड़ा दिमाग खटाओ तुम लोग, दिमाग में कुछ है कि नहीं, या गोबर भरा के रखे हो? पूरा गोबर है दिमाग के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं रिलीज करेगा, नहीं नहीं रिलीज करेगा, 100% रिलीज करेगा। तेरा औकात है वो मूवी को रोकने का, इतना औकात है? 50 पैसा का औकात नहीं है तेरे को। तू मूवी रुकेगा, तू रुकाएगा मूवी, मूवी रिलीज होगा और हम लोग देखेंगे, देख के उस मूवी को हिट कराएंगे। तेरी तेरा इतना औकात नहीं है हम लोगों को रोकने के लिए। हमारा मन है, हमारा मर्जी है, हम अगर मन करे हम देखेंगे, हम अगर मन नहीं करेगा हम नहीं देखेंगे, उस मूवी देखेंगे और 100% वो मूवी हॉल पे लगाया जाएगा और हम देखेंगे। तू क्या, तेरे बाप का तेरी पूरे खानदान भी अगर आ जाए ना, फिर भी वो मूवी नहीं रुका पाएगा तू। समझ गए ना छोटे अंकल? फिल्म को देखने जाएंगे। अच्छा। कौन करा बायकॉट करेंगे? अच्छा, हम बैन करवाएंगे। तू बैन कराएगा, तू बैन करेगा पिक्चर को तू? अरे गबर के शक्ल के, अरे गधे कहे के, तू क्या, तेरे बाप क्या, तेरे बाप के बाप क्या, अगर 7 जन्म भी कोशिश करे ना, फिर भी पाठान को बॉयकॉट नहीं, बॉयकॉट को छोड़, तू क्या बोला बैंड कराएगा? तेरा औकात नहीं बैंड कराने का, तू नहीं करा पाएगा बैंड। हम भी देखेंगे कैसे बैंड, तू अगर बैंड कराएंगे तो हमको उस मूवी लगाने के लिए हम लोग नारा लगाएंगे। तू क्या कर लेगा बे, तू क्या कर लेगा बे? हम मूवी देखेंगे और हम देखेंगे तू कैसे बैंड कराता है उस मूवी को। हाँ,
हम है ना सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ तू तुझे तेरे कितने लोग है, 3-4-5 या 100 या 1000 लोग है ना नेगेटिव सोचने वाले, हम लाखों है पॉजिटिव सोचने वाले, करोड़ों में है हम लोग। तुम अगर 10 बंदे में जाओगे ना बैन कराने के लिए, हम लाखों जाएंगे उस मूवी को देखने के लिए, हम देखेंगे तू कैसे बैन कराता है। अनबॉक्स कहीं का गादे कहीं का, जाके घर जाके खाना खा, पहले 3 दिन से खाना नहीं खाया तू, तेरा शक्ल देख के मालूम हो रहा है। पहली बात पिक्चर नहीं चलेगी, दूसरी बात पिक्चर नहीं चलेगी, तीसरी बात पिक्चर नहीं चलेगी, और अंतिम बात आज कह रहे हैं कि मेरे दोस्त पिक्चर नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो चाचा जी सुनो, अभी मेरा बात सुनो, पहली बात पिक्चर चलेगी, दूसरी बात पिक्चर हिट होगी, तीसरी बात पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी, चौथी बात पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगा, समझ गए ना चाचा जी। सुनो चाचा जी, अब क्योंकि हम कराएंगे हिट, हम देखेंगे मूवी, तुम्हारे जैसे बंदे से बंदे के बातों में हम लोग नहीं आएंगे, हम पिक्चर देखेंगे और उस पिक्चर को सुपर डुपर हिट बनाएंगे, हम खुद देखेंगे पिक्चर, हम दोस्तों को लाएंगे, उस दोस्तों को बोलेंगे और दोस्तों को लेके आओ, उनको बोलेंगे और दोस्तों को लेके आओ, हम पूरे मिलके वो पिक्चर देखेंगे और इतना देखेंगे कि पिक्चर को सुपर डुपर हिट बनाएंगे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाएंगे। और सुनो चाचाजी, ओह नहीं सॉरी दादाजी, तुम्हारे उम्र बहुत बड़ी हो गए, तो दादाजी सुनो, इस पिक्चर है ना ऑलरेडी 200 करोड़ में जूम और अमेज़न प्ले में 100 करोड़ में बेच चुका है, मतलब 200 करोड़ ऑलरेडी मिल गया है पठान को, और अभी जो बॉक्स ऑफिस में जो रिलीज करेंगे ना, अब जितना बॉक्स ऑफिस में रिलीज करेंगे वो जितना पैसा आएंगे ना वो पूरे पैसा प्रॉफिट में जाएंगे, शाहरुख खान का कोई लॉस नहीं होगा, समझ गया ना। और तुम लोग कहते हो ना बिगिनी 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 बिगिनी, शाहरुख खान ने बिगिनी नहीं पहना, और जिसने बिगिनी पहना है वो तुम्हारे हिंदू धर्म के ही लड़के है, तुम उनको जाकर पूछना। और एक बात, कुछ लोग कहते हैं ना जो बिगिनी जो पहना है वो शाहरुख खान ने पहना है, तो शाहरुख खान ने किसी को बिगिनी पहनने के लिए नहीं कहा, वो कस्टम डिजाइनर है, कस्टम डिजाइनर ने बोला वो जैसे बोलेगा जो कपड़ा पहनने के बोलेगा वही बनेगा, और जो कस्टम डिजाइनर है, इस मूवी का डायरेक्टर है, इस मूवी का राइटर है और इस मूवी का प्रोड्यूसर है, और जी कंपनी इस मूवी को लॉन्च कर रहा है, मतलब बना रहा है, पूरे पूरे सब कुछ कर रहा है, जिसको YRF कहते हैं, तो पूरे लोग हिंदू है, समझ गए ना, ये पूरे लोग हिंदू है और हिंदू लोगों ने ही उसको कास्ट किया है, तो एक हीरो का काम है काम करना, उसको जस्ट एक्टिंग करना, तो शाहरुख खान ने जस्ट एक्टिंग किया, इसमें शाहरुख खान का कोई गलती नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और बाकी जो लोग है वो लोग जैसे शाहरुख खान को मतलब एक हीरो को कहेगा ना जो जैसे करने के लिए तो ऐसे ही करेगा, और शाहरुख खान ने अपनी मर्जी से एक्टिंग नहीं किया, समझ गए ना तुम लोग, डायरेक्टर जैसे डायरेक्ट किया शाहरुख खान ने वो फॉलो किया, प्रोड्यूसर जो है कोरियोग्राफर जो है उन लोगों के ऊपर सब कुछ है, उन लोगों ने जैसे जैसे हीरो को करने के लिए बोलेंगे ना तो हीरो भी ऐसा ऐसा ही करके जाएगा, तो तुम लोग शाहरुख खान को ब्लेम मत करो, उसमें शाहरुख खान का 1% भी गलती नहीं है, शाहरुख खान का है काम करना, उसने काम किया हाँ, वो एक हीरो है, एज ए हीरो का काम है काम करना, एक्टिंग करना, तो जस्ट एक्टिंग किया, तो तुम लोग हो ना दिमाग के पैदल हो, इस बात को तुम लोग समझते नहीं हो हाँ? तो अगर तुम लोगों को उस प्रॉब्लम है, तुम्हारे आत्मा में दोषित हो रहा है, उषित हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम्हारा मर्जी, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा जो हो रहा है ना, तो तुम जाओ जाके उस प्रोड्यूसर को बोलो, उस डायरेक्टर को बोलो, उस राइटर को बोलो, उस कोरियोग्राफर को बोलो, वो कस्टम डिजाइनर को बोलो, जो हमारे धर्म का अपमान क्यों किया, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो शाहरुख खान के हाथ में कुछ भी नहीं है, शाहरुख खान ने कुछ भी नहीं किया, तो शाहरुख खान के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो, समझ गए ना गधे कहे के, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुंह कौन लगता।